सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां पे न्यूज 18 इंडिया की यह ऑफिशियल रिपोर्ट इन बातों को दर्शाती है कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं क्लास 10 के क्लास 12 के, वो पूरी तरह से सिलेबस पैटर्न पे आधारित रहेंगे, सिलेबस बेस्ड ही रहेंगे, कहीं अदर से कोई क्वेश्चन को नहीं पुटअप किया जाएगा। इन सभी चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के पीछे गवर्नमेंट का भी काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरह से एजुकेशन मिनिस्ट्री लगातार बोर्ड एग्जामिनेशन के चेंजेस को लेकर सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यूज 18 इंडिया की तरफ से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कौन से क्लैरिफिकेशन जारी हुए हैं, प्लस जो बोर्ड एग्जामिनेशन काउंसिल कमिटीज के हेड हैं वो कौन से पैटर्न को लेकर क्वेश्चन पेपर का लेवल बनाएंगे और क्वेश्चन पेपर का लेवल किस वे में डिसाइड रहेगा, उसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी आपको वन बाय वन प्रोवाइड करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हाईली रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जैसे ही सीआईएससी सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है तुरंत यहाँ पे आपको नोटिफाई कर दिया जाए। लगातार बातें सर्कुलेट हो रही थी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सभी चेंजेस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर के लेवल्स हैं उनको यहाँ पे मिड डाउन कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ पे आपके जो नंबर्स हैं उनमें इंक्रीजमेंट देखने को मिले। साथ ही साथ सीआईएससी अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट्स प्लस अपने मेन बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट्स को लेकर सामने आ चुका है। यही बातें सेम सीबीएसई के साथ भी लागू होती है। मैं आपको बता दूं, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि सीआईएससी की तरफ से इन सभी चीजों में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना काफी नेसेसरी हो गया है, जिसके चलते आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। यहाँ पे आपके क्लास 10th एंड क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनमें जो क्वेश्चन पेपर के जो पैटर्न को डिसाइड किया जा रहा है वो आपके सिलेबस बेस्ड ही रहेगा। कहीं ना कहीं सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स को यह हिदायत दी गई है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाए जा रहे हैं, तो हमको यह तैयारी करनी है कि हमारे सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट रहे, जिसके चलते आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। आपके सिलेबस रिगार्डिंग आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग क्लासेस में लाइव रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि आपके सिलेबस रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाएगा, आपके सिलेबस रिगार्डिंग ही बोर्ड एग्जामिनेशन को चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे आपके सिलेबस बेस्ड ही सब कुछ होने वाला है, तो आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को यह हिदायतें दी गई हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चेंजेस इंप्लीमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।